हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं समुंदर मोर, पीजीटी इन कॉमर्स, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, आपका स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, और उसमें आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा पद्धति। इस वीडियो लेक्चर के जो उद्देश्य हैं वो हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का अर्थ, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और सूटेबिलिटी को जानना, और साथ में डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, और सीधी रेखा पद्धति के तहत डेप्रिसिएशन जब चार्ज किया जाएगा तो वहाँ पे असेट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के और भी नाम हैं, इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, समान किस्त पद्धति, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मूल लागत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन है वो हर वर्ष समान दर से चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन जो एनुअल डेप्रिसिएशन के जो अमाउंट है वो बदलती नहीं है, वो समान रहती है। और इसके तहत जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन में निकालने के लिए हम असेट की जो टोटल कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू या एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू को घटाएंगे और उसको असेट की यूजफुल लाइफ जो ईयर्स में होती है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन होगा। असेट की कॉस्ट या टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट में हम जो एक्सपेंसेस होते हैं इंस्टॉलेशन या असेट को लाने के भी जो खर्चे होते हैं उनको भी हम शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी असेट की कॉस्ट 80,000 है और उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, और ये असेट अगर इसकी यूजफुल लाइफ 10 वर्ष अगर हम माने तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो होगा 70,000 भाग में 10 यानी कि 7,000 रुपये प्रति वर्ष डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज किए जाएंगे। तो ये है डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के मेरिट्स की। सबसे पहला है, ये बहुत ही सरल मेथड है। इसके अनुसार स्क्रैप वैल्यू घटा देते हैं टोटल कॉस्ट में से, और यूजफुल लाइफ जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है उससे डिवाइड करते हैं, हमारा जो है डेप्रिसिएशन निकल जाता है। दूसरा है, क्योंकि इस मेथड में समान अमाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तो ह्रास यानी डेप्रिसिएशन का जो बोझ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर वो हर वर्ष समान रहता है। जैसे अगर इसी एग्जांपल की हम बात करें तो हर वर्ष 7,000 रुपये डेप्रिसिएशन के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किए जाएंगे, डेबिट किए जाएंगे, तो जो बोझ है डेप्रिसिएशन का वो समान रहेगा हर वर्ष। नेक्स्ट जो मेरिट की अगर हम बात करें तो इस मेथड के अनुसार जो भी हमारे असेट्स हैं उनको पूरी तरह से राइट ऑफ किया जा सकता है, अपलिखित किया जा सकता है, या तो वैल्यू ज़ीरो तक या फिर स्क्रैप वैल्यू तक उसको हम लेके जा सकते हैं, पूरी तरह से इसको राइट ऑफ कर सकते हैं असेट्स की वैल्यू को। और लास्ट जो इसका मेरिट है कि मूल लागत और आज तक के ह्रास का ज्ञान, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन। इस मेथड के तहत बैलेंस शीट में जब असेट्स लिखे जाते हैं तो वहाँ पे असेट्स की वैल्यू में से टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो घटा के लिखते हैं, तो यहाँ इससे हम असेट्स की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका और अप टू डेट यानी कि जिस डेट पे अकाउंट प्रिपेयर किए जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जा रही हैं, उस डेट तक के डेप्रिसिएशन की जानकारी हमें स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से मिल जाती है। स्ट्रेट लाइन मेथड के मेरिट जानने के बाद बच्चों अब हम बात करते हैं इस मेथड के दोष, इसमें क्या क्या कमियां हैं।
सबसे पहली अगर बात करें हम गणना में कठिनाई, इस मेथड के अनुसार अगर बिजनेस के पास एक जैसे कई असेट्स हैं, फिक्स असेट्स ज़्यादा हैं, तो उसमें हर एक पर डेप्रिसिएशन की अलग अलग कैलकुलेशन करनी होगी, जिससे इसकी गणना करने में कठिनाई होगी। दूसरा है आय के विरुद्ध असमान व्यय, अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। इस मेथड के अनुसार जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल इक्वल लगता है, लेकिन जब मशीन पुरानी होती जाती है उसके ऊपर रिपेयर के जो चार्ज हैं वो बढ़ते जाते हैं, इस तरह से चलते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन सेम लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जब बाद में असेट की इनकम जनरेटिंग पावर भी कम हो जाएगी, लेकिन डेप्रिसिएशन इक्वल लगेगा और रिपेयर के चार्ज बढ़ते जाएंगे, रिपेयर के मरम्मत के जो खर्चे हैं, व्यय हैं, वो बढ़ते जाएंगे। इस कारण जो टोटल एक्सपेंस है वो बाद के सालों में बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस मेथड के अनुसार आय के विरुद्ध असमान व्यय जो है वो दिखाया जाता है, होता है। तीसरा, जो अगर हम दोष की बात करें, कमी की बात करें, तो बाद के वर्षों में अनुचित दबाव, अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स। जैसे हमने अभी बात की कि डेप्रिसिएशन जो है वो सेम रेट से लगता है, तो इस वजह से किसी मशीन के पहले, दूसरे, तीसरे जितने भी वर्ष हैं सब में जो है डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट से लगेगा, सेम अमाउंट से चार्ज किया जाएगा, लेकिन उस मशीन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उत्पादकता है, वो कम होगी। उस वजह से जो बाद के सालों में है ये अनुचित दबाव पड़ेगा। शुरू के वर्षों में ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगना चाहिए और बाद के वर्षों में कम लगना चाहिए, लेकिन इस मेथड के कारण, इस मेथड में शुरू से आखिर तक एक ही दर से डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट से लगाया जाता है, इस वजह से ये बाद के सालों में अनड्यू प्रेशर जो है लेके आता है ये मेथड। फिर अगर हम बात करें ब्याज तत्वों की अवहेलना, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, अगर संपत्ति में जो पैसा लगाया है वो पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो वहाँ पे इंटरेस्ट उस पर मिलेगा, तो लेकिन इस मेथड के अनुसार डेप्रिसिएशन जो है हर वर्ष इक्वल लगाया जाता है, तो यहाँ पे ब्याज तत्व की जो है वो अवहेलना की जाती है, उसको इग्नोर किया जाता है इस मेथड में। अगला जो कमी है वो कि संपत्ति का मूल्य शून्य तक घटाना वास्तविकता से दूर। कोई भी फिक्स असेट हो उसकी वैल्यू को जीरो लेके आना अनरियलिस्टिक है, ये वास्तविकता से दूर है। असल में ऐसा शायद ही कोई असेट हो जिसकी वैल्यू जीरो होगी, कुछ न कुछ वैल्यू तो उसमें बचती है कितना भी हम उसका यूज कर लें। और लास्ट में है कि जो स्क्रैप वैल्यू है उसका निर्धारण करना ये कठिन कार्य है। आज कोई असेट खरीदा जाता है, अगर हम उसकी यूजफुल लाइफ 15 से 20 वर्ष अगर मानते हैं, तो आज से 20 वर्ष बाद या 15 वर्ष बाद किसी असेट की कितनी वैल्यू होगी, इसका निर्धारण करना एक कठिन कार्य है। तो हमने जाने हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के लाभ और उसके डिमेरिट्स, दोष की बात हमने की है, कमियों की बात की है। इनको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये जो मेथड है ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही बेकार है, अगर हम इनके गुण दोष की बात करें उनको ध्यान में रखते हुए, तो इसकी उपयुक्तता की बात अगर हम करें तो ये उस केस में बड़ा ही लाभदायक है, बड़ा उपयुक्त रहेगा जहाँ पे हम यूजफुल लाइफ जो है किसी भी असेट की, उसकी यूजफुल लाइफ को एक्यूरेटली अगर हम एस्टिमेट कर पाएँ, और साथ में जो रिपेयर के व्यय हैं, रिपेयर या मुरम्मत के जो एक्सपेंसेस हैं वो अगर किसी असेट के कम हो, उस दशा में स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो सूटेबल रहेगा, ये उपयुक्त रहेगा। बच्चों आइए अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट
और जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उस टाइम एसेट्स अकाउंट कैसे बनाएंगे उसकी बात करते हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, उसकी हेल्प से इसको सीखते हैं। क्वेश्चन है, ऑन 1st अप्रैल 2015 ABC लिमिटेड परचेज्ड मशीन ₹4,90,000 एंड स्पेंट ₹6,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन विल बी 10 years एंड आफ्टर 10 years स्क्रैप वैल्यू विल बी ₹20,000। क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2015 को ABC लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी ₹90,000 में, जिसके ऊपर ₹6,000 कैरेज और ₹4,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे। परचेज की डेट पर इस मशीन की जो इफेक्टिव लाइफ है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो 10 years है, और 10 year के बाद जो स्क्रैप वैल्यू है वो 20,000 है। तो हमें 4 साल के लिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इस केस में हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट की बात करें, 90,000 मशीन खरीदी है और 6,000 और 4,000 रुपये इस पर एक्सपेंसेस हुए हैं, सारे इसमें जोड़ेंगे तो ये बनता है 1,00,000 रुपये। और 1,00,000 रुपये में स्क्रैप वैल्यू घटाएंगे ₹20,000 और डिवाइड कर देंगे, 10 ईयर्स दिया हुआ है तो 80,000/10 यानी कि ₹8,000 एनुअल डेप्रिसिएशन बनेगा। हर साल ₹8,000 डेप्रिसिएशन के चार्ज किए जाएंगे। अगर हम बात करें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर निकालना हो, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप इसको डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100 कर दीजिए और ये बनेगा 3 0 यहाँ से 2 ये कट जाएंगी 8%। ऐसे परसेंटेज निकल जाएगी। और वैसे भी जो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल एक जैसा लगता है, तो ये ₹8,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जब मशीन परचेज़ की जाएगी तो एंट्री की जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले ईयर 2015 अप्रैल 1st, और यहाँ पे टू बैंक अकाउंट 90,000 हम कर देंगे। उसके बाद सेम डेट पे टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस के भी, एक्सपेंसेस को भी मशीन अकाउंट में मिलाएंगे और कैरिज का भी, जो भी एक्सपेंसेस हैं ये सारे एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे लिख देंगे। डेट तीनों की सेम है। अब ये साल ख़त्म होगा और 2016 की March 31st को जब अकाउंट क्लोज किए जाएंगे, तो हम इस वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराएंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी असेट, क्योंकि डिक्रीज होगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन या असेट जो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये होगा 8,000। इसी डेट को अब हम इसको बैलेंस करेंगे बाय बैलेंस CD, और बैलेंस करने का तरीका यहाँ पे आप 1,00,000 लिखेंगे, 1,00,000 लिख देंगे, और यहाँ से 3 0 8 और 2 10 1 1 और 9 10 ₹95,000 बच जाते हैं। फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे 2016 अप्रैल 1st टू बैलेंस
बी डी और यहाँ पे हम लिख देंगे 90,000 रुपये। फिर से ये साल ख़त्म होगा और 2017 मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फिक्स 8,000 है, या आप इसको ये भी कर सकते हैं 8% ऑन 1,00,000। यहाँ पे हमें 92,000 पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, इसमें यही देखना है, हमें 1,00,000 पर ही लगाना है। यहाँ भी सेम था 8% ऑफ 1,00,000, हर बार हमें 1,00,000 पर ही लगाना है। और उसके बाद सेम डेट में बाय बैलेंस सीडी हम करेंगे, ये 92,000, यहाँ पे 92,000 लिख देंगे और इसको बैलेंस करेंगे, 3 0 8 और 4 12 1 1 और 8 9 84,000। फिर यहाँ पे 2017 अप्रैल 1st टू बैलेंस बी डी और 84,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर से नेक्स्ट ईयर 2018 जब क्लोज होगा, सेम एंट्री की जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और 31 मार्च को हम यहाँ पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर से वही 8% ऑफ 1,00,000 और ये होगा 8,000। इसको टोटल करेंगे 84,000, यहाँ पे लिख देंगे 84,000 और बैलेंस करेंगे बाय बैलेंस सी डी, 8 और 6 14 1 और 7 8 76,000। फिर से 76,000 को यहाँ लेके आएंगे और 2018 अप्रैल 1st टू बैलेंस बी डी, फिर से 2019 31 मार्च को फिर एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन कम हो की वैल्यू कम हो जाएगी इतने से, और यहाँ पे एंट्री करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8% ऑफ 1,00,000 और यहाँ पे फिर से 8,000 हम लिख देंगे। फिर इसको टोटल करेंगे 76,000 और 31 मार्च को ही बाय बैलेंस सीडी 8 और 8 16 1 और 6 7 68,000 रुपये बच जाता है। 4 साल का हमने डेप्रिसिएशन लगाया है, 8 चौके 32, 1,00,000 में से 32 घटाएं तो 68,000 ही बनता है। ये हमारा वैसे भी सवाल चेक किया जा सकता है आंसर को। फिर यहाँ पे 2019 अप्रैल 1st टू बैलेंस बी डी और यहाँ पे 68,000 हम लिख देते हैं। तो ये हमारा सवाल जो है पूरा हो जाता है मशीन अकाउंट का। चार आइए बच्चों, अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले जब हमने 31 मार्च को डेप्रिसिएशन की एंट्री की थी तो वहाँ पे हमारी एंट्री थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, वहाँ से मार्च 31 को ही हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे और यहाँ पे होगा टू मशीन अकाउंट 8,000, क्योंकि 31 मार्च को ही साल का लास्ट डे है तो मार्च 31st को हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ क्योंकि हम
कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बजाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम यूज़ करते हैं, तो उस टाइम एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसलिए यहाँ पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे 8000, और ये बैलेंस इस तरह से हो जाता है। फिर से नेक्स्ट ईयर 2017 में जब हम 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसकी एंट्री होगी टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट यहां पे करेंगे 8000। फिर से इसको 31 मार्च 2017 को ट्रांसफ़र कर देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 8000 बैलेंस करेंगे, नॉमिनल अकाउंट है ये, कोई बैलेंस नहीं बचेगा। नेक्स्ट ईयर 2018 मार्च 31 को जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, फिर से एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन, तो यहाँ पे टू मशीन अकाउंट 8000। 2018 मार्च 31 को फिर हम इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में होगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर से इसको बैलेंस करेंगे। इसके बाद 2019 मार्च 31 एंट्री वही डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो यहाँ पे टू मशीन अकाउंट 8000, और 31 मार्च को ही 2019 को इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे, एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे पोस्टिंग होगी बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 8000। फिर से इसको बैलेंस कर देंगे, और इस तरह से हमारा 4 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाता है। जो बच्चों हमने लास्ट क्वेश्चन में उस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन मेथड को डिस्कस किया था जब केवल एक ही असेट हो, असेट परचेज किया और उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट की थी। आइए अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा असेट्स हैं और वो असेट या पूरा असेट या उसका कुछ पार्ट बेचा भी जाएगा, सेल किया जाएगा। क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2017 अ कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर रुपीज 2 लाख, न्यू मशीनरी फॉर 10,000 वाज परचेज ऑन 1/1/18, ऑन 1/7/19 अ मशीनरी हुज बुक वैल्यू हैड बीन 30,000 ऑन 1 अप्रैल 2017 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 16,000। एक ऐसी मशीन जिसकी 1 अप्रैल 2017 को बुक वैल्यू 30,000 रुपये थी वो 16,000 की बेच दी गई है। डेप्रिसिएशन हैड बीन एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, शो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2020। हर वर्ष 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं, हमें 3 साल के लिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जहाँ पे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं तो ध्यान रखें ताकि हमें कोई गलती ना हो, एरर ना हो। तो जो भी जिन डेट पे ट्रांजैक्शंस हैं वो डेट एक बार नोट कर लें तो बेहतर रहता है। 1/4/17 को परचेज है मशीनरी 2 लाख की, यहाँ पे ये कर सकते हैं P4 परचेज। फिर उसके बाद न्यू मशीनरी 10,000 रुपये की 1/1/18 को
10,000 की फिर से परचेज है। उसके बाद है 1719 को 30,000 रुपये की जो मशीनरी थी वो 16,000 रुपये में सेल कर दी गई है। अब हमें 3 साल के लिए डेप्रिसिएशन लगा के प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो आइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं इसकी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले जब 2017 में 1 अप्रैल को परचेज किया जाएगा मशीनरी को, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की, तो एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ पे डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट हम लिख देंगे 2 लाख रुपए। 2017 से आगे 18 आएगा 31 मार्च को जब डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। अब मार्च 18 से पहले जनवरी 18 को एक फिर से और मशीन खरीदी गई है, तो यहाँ पे 2018 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट, आप इसको फर्स्ट सेकंड भी कर सकते हैं, 10,000 की एक और मशीन खरीदी। अब इसके बाद 31 मार्च डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, 1 और 2 मशीन हैं तो दोनों के ऊपर 1 अप्रैल से पूरा साल रही 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से, 2 लाख का 10% 10% ऑफ 2 लाख, और ये बनता है 20,000 रुपये। उसके बाद 10% ऑफ 10,000, और ये होगा 3 मंथ्स, 1 जनवरी को खरीदी है तो 3 महीने के लिए 10% बनता है 1,000, और 3 महीने के लिए करेंगे तो ये होगा 250 रुपये, और ये डेप्रिसिएशन हमारा 20,250 रुपये। इसी डेट को, ये मार्च 31 है, इसी डेट को अब हम बैलेंस निकालेंगे असेट्स के, और बैलेंस यहाँ पे हम टोटल करेंगे डेबिट साइड का 2,10,000 रुपये, और इसी को हम 2,10,000 रुपये यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD, और 1, 2 करके हम यहाँ भी लिख सकते हैं, 750, 5 और 5 10 1, 3 और 7 10 1, 1 और 9 10 1, 3 और 8 11, 1 और 1 2। अब अगर यहाँ से करेंगे 2 लाख में से 20,000 हम घटाते हैं तो ये होगा 1,80,000, और यहाँ से 9,750। अब ये मार्च 18 को क्लोजिंग बैलेंस है, और अप्रैल 2018 अप्रैल 1 को यही बैलेंस होगा टू बैलेंस BD 1, 2, यहाँ फिर से लिखेंगे 1,80,000, 9,750, और ये टोटल 1,89,750। अब आगे मार्च 2019, और ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है ये जुलाई में है, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर आएगी, तो यहाँ पे 2019 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन, इन दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 1 और 2। फिर से वही स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 10% ऑफ 2 लाख, ये होगा 20,000, और फिर से 10% ऑफ 10,000, ये होगा 1,000, 21,000 रुपये डेप्रिसिएशन। इसी डेट को
मार्च 31st क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, इसका जोड़ करते हैं 189,750, यहाँ लिखेंगे 189,750 बाय बैलेंस सी डी। जीरो है, जीरो लगाएंगे, जीरो और पाँच पाँच, जीरो और सात सात, एक और आठ नौ, दो और छः आठ, 168,750। और अगर अलग अलग हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 20,000 इसमें से घटाएंगे, 180 माइनस 20 माइनस 20,000, तो ये होगा 160,000। और 9,750 माइनस 1,000, तो ये होगा 8,750। ये 31 मार्च 2019 को क्लोजिंग बैलेंस है, तो 2019 एक अप्रैल को ये ओपनिंग बैलेंस होगा। और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 1 2, 160,000 और 8,750, 168,750। अब देखिए, अब आता है हमारे सामने 1 जुलाई 19। 1 जुलाई 19 को एक असेट है जो कि 1 अप्रैल 17 को जो खरीदा गया था, उसमें से 30,000 रुपये का एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 1/4/17 को 30,000 रुपये थी, वो मशीन 16,000 रुपये में सेल कर दी गई। अब क्योंकि ये तो बुक वैल्यू है, इस बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज हुआ है 10% के हिसाब से, तो इसमें से डेप्रिसिएशन हम घटाते हैं और फिर देखते हैं ये मशीन बेचने से लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो इसकी डेप्रिसिएशन की अगर हम कैलकुलेशन करें, हमारी डेट है 1/7/19, जबकि ये मशीन खरीदी थी 1/4/17 को, 1/4/17 से 31/3/18 तक एक साल पूरा हो जाता है, तो उस एक साल का 10% के हिसाब से 30,000 का 3,000, फिर से 31/3/19 को दूसरा साल कंप्लीट होता है, 3,000 उनके बनेंगे। इसके बाद 1/7 तक अप्रैल मई और जून 3 महीने बनते हैं, और 3 महीने अगर आप करें 30,000 पूरा बनता है, और एक क्वार्टर का बनेगा ये 750 रुपये। तो इसके ऊपर 6,750 रुपये डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो अब देखिए, 30,000 बुक वैल्यू थी, लेस डेप्रिसिएशन 6,750, तो ये होगा 250, 23,250। और ये मशीन बिकी है 16,000 में, जिसकी कीमत है 23,250, बिकी है 16,000 में, तो ये 7,250 जो है ये है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 रुपये, ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 रुपये, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 750 रुपये, क्योंकि जो पहले वाले हैं वो लग चुके हैं, उनसे वैल्यू घट चुकी है, और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट 7,250 टू, ये होगा 8,24,000। क्योंकि जिस डेट पे हम एंट्री कर रहे हैं उस साल अगर आप ओपनिंग बैलेंस इसका देखेंगे, तो ये 30,000 की जो थी 6,000 घट चुके, 30 माइनस 6, 24,000 रुपये। तो ये इस साल का डेप्रिसिएशन होगा, ये हम इतने की सेल कर चुके हैं, और 7,250 रुपये जो है ये मशीन बेचने से लॉस होगा। अब यहाँ पे 2019 जुलाई 1st
तो ये यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट सेल 60,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 750 रुपये, ये है 10% ऑफ 30,000 फॉर 3 months, और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 7,250 रुपये। ये सारी एंट्री हमारी 1 जुलाई 2019 को होंगी। इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर हम एंट्री करेंगे मार्च 2020, मार्च 31st, पहले डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1, 2। अब देखिए, क्योंकि 30 जो पहली मशीन है 2 लाख वाली, उसमें से 30,000 बुक वैल्यू की मशीन बिक चुकी है, तो ये होगा 10% ऑफ 1,70,000। तो फर्स्ट में क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा 10%, 1,70,000 रुपये का, तो ये बनेगा 17,000, और 10% ऑफ 10,000, 1,000, 18,000 रुपये डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगा। इसके बाद अब हमें इनका बैलेंस करना है, तो मार्च 31 को ही क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ हम इनका टोटल करते हैं एक बार, 1,68,750, और इधर भी वही 1,68,750। अगर हम इस तरह करते हैं 0,0,0,0, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 1, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 1, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 2, 3, 4 और 2 6, 1,26,750। और यहाँ पे हम करेंगे बाय बैलेंस CD 1, 2। अब देखिए, ये बैलेंस निकालने के लिए हम ये बैलेंस कैसे निकालेंगे, 1,19,000 कैसे आया, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का। तो 1,4,17 को बुक वैल्यू 1,70,000 बची, और यहाँ से 3 साल बनते हैं, इसका 1 साल का डेप्रिसिएशन 17,000 और गुणा 3, 17 दिए 51,000 डेप्रिसिएशन, और इस वैल्यू थी, कॉस्ट थी 1,70,000, तो ये होगा 10 में से 1, 9, 1,19,000 जो है फर्स्ट की वैल्यू है, और सेकंड की 1,19,000। सेकंड जो हमारी मशीन है 8,750 में से 1,000 ये माइनस हो जाएंगे 7,750, और इनका कुल आता है 1,26,750। अब यही बैलेंस 2020 और अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD 1,26,750, और अलग अलग अगर लिखने हों तो ये अलग अलग लिखे जा सकते हैं, 1,19,000, और दूसरा है 7,750। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन मेथड में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट या कोई भी असेट अकाउंट बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।